को तो एप्लीकेशन ना ना थे बड़ी हम मादरत करने आए हैं, आपसे माफी मांगने आए हैं, हाथ जोड़ने आए हैं कि हाई कोर्ट ने आपको जस्टिस नहीं बनाया और यहाँ पे एडिशनल सेशन जज बना के भेज दिया। क्या हो गया सर? मेरी बात समझ आई आपको? हम आपसे माफी मांगते हैं कि हाई कोर्ट ने बड़ी उल्लू का पट्टा हाई कोर्ट जिसने आपको यहाँ भेज दिया। लैंग्वेज नहीं, कोई बात नहीं। तीन दिन में चार दिन में मुझे 20 शिकायतें आपकी आ गई। हर वकील को साथ आप बदतमीजी करते हैं, हर वकील के साथ बदतमीजी करते हैं। मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा। नहीं, अपना रवैया ठीक करें। ये जो है ना मेरे छोटे भाई बच्चे, ये मेरे बेटों की तरह, अपना रवैया ठीक फरमा लें या फिर हाई कोर्ट जाके जस्टिस बन जाए। आप मुझे फरमाएं कि कंप्लेन क्या है मेरे खिलाफ। ये मेरा भाई कोई ना बोले, फ्री अरेस्ट में मुलजिम भी हाजिर था, इसका मुंशी भी हाजिर था, ये किसी और अदालत में था या जो भी, उसने आके कहा कि जी वकील साहब आ रहे हैं। जनाब ने फरमाया ना मैं इंतजार करता हूँ ना क्या करता। क्या कहा भट्टी साहब बताएं? मास्क उतार के बताएं। उन्होंने कहा कि मैंने इंतजार निकलना, मैं ऊंचा बोलो बंद नहीं हूँ मैं जनाब, बढ़ के फैसला कर दूंगा जनाब, मैं जो करना मैंने कर देना। ये कहा है मैंने? बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। सर मैं यहाँ पे हमने सबसे पहले सबसे लोगों की मोहम्मद एक बहुत बड़ी देर लगी है, वकील साहब दीवार है उन्हें हटाना कोई नहीं, उसमें डेट करवा डेटर साहब ने कहा जी डेट कोई नहीं, उसमें बेस्ट करें या फैसला होगा। वकील साहब मैं अच्छा बुलाई हुई है, मैं यहाँ पे आया हूँ। मैंने कहा जैसे साहब ने पूछा जी मुझे, मैंने कहा सर वकील साहब बीमार है, उन्होंने अल्लाह को डेट करवा दी। जैसे साहब कहते हैं कि आप मेरे से बात क्यों कर रहे हैं, आप डेटर से बात कर रहे हैं। मैं सुबह से यहाँ पे मुंशियों को एड्रेस कर रहा हूँ, आज के बाद कोई मुंशी मेरे से बात नहीं करेगा। ये गाइस जो है ये वकीलों के लिए, मुंशियों के लिए, इसमें कौन सी गुस्ताखी की है? ऐसी बात यह है कि मैं वकील साहब का पाबंद नहीं हूँ, उन्होंने आना है आके बहस करते, नहीं आना है बेशक नहीं आना। अच्छा इस पूरी गुफ्तगू में नहीं, आराम से मेरी बात सुने। आप मुझे लाउडली बोल रहे हैं, मैं लाउडली और बैठा, मैं इससे लाउडली से और भी कुछ करूँ, इसका मतलब 20 अदालतें हैं यहाँ पर, 8 यहाँ पे एडिशनल जज जाए, हम अपने टोटल कर लें 8, हर अदालत में हम पहली पुकार में शामिल हो। सदर साहब आप क्या कर रहे हैं? मैं यही कर रहा हूँ, अगर हमने किसी और अदालत में पेश होना है तो हम जिस अदालत में पहले बुलाई होगी, जिस अदालत में भी मैं इंतजार में रखता जी ना, तो फिर ये क्या बात है कि मुंशी ना पेश हो? क्यों ना पेश हो? मुंशी का रोस्टर पे आना नहीं है। क्यों नहीं? और मुंशी में बाहर की बात है, अकल की बात अगर कोई अकल की बात है, हाँ कि मुंशी ना आए तो फिर कौन आए? मुंशी नहीं आएगा तो वकील भी नहीं होगा, मुंशी भी नहीं होगा, कलाई बताएगा, कलाई कौन से आएगा? वकील आके बताएगा ना, लीडर को आके बताएगा, नहीं करेगा हाईकोर्ट में तो वो जाके मुंशी कह देते हैं जी फला अदालत में इंतजार में हो जाता, आपकी फिर मेरा सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी अदालत है जहाँ में मुंशी नहीं पेश हो सकता। नहीं लग रहा आपका ग्रीवियस क्या है? मुझे ये है कि अगर वकील किसी और अदालत में हो और मुंशी साहब तशरीफ लाए तो वो हमें हमारी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। अच्छा उसको ये कहना कि मैं तेरे से बात नहीं करता, कौन सी आपसे कौन बात करेगी पहले मुझे बता दो। कौन सी तो नहीं हो गई अभी, ये भी बता दी कि मैंने पहले फैसला कर देना, क्यों कर देना पड़े रवैया? आप हाई कोर्ट में केस ले जाए और वहां पे जाके चार्ज संभाले, जस्टिस बन जाए। यहाँ भाई आपके शायान शान ही अदालत नहीं है ना, हम आपके शायान शान। हमारे मुंशी अगर आपको बर्दाश्त नहीं होते हम ये अदालत ऐसे मेहरबानी फरमाए, ये रवैया यहाँ नहीं चलेगा। और दिस इज दिस इज द लास्ट टाइम कि हम ये बेयर कर रहे हैं। दिस इज द वे योर कंप्लेन नहीं, इस दी वे मैंने चार दिन में चार आपकी शिकायतें, कल आपने टॉन्ट किया मेरे वकील को, वो मेरे पास आया सरदार दादा तजम्मुल के जी, वहां पे पूरी अदालत में मेरा मेरे पे हंसी लगवाई। कौन से पहले लगवाई गई? उससे पहले कौन से? मैं आपको मेरी बात सुने बस, आके आ जाए ये आखिरी वार्निंग है, या तो यहाँ से तशरीफ ले जाए ट्रांसफर करवा लें या यहाँ पर एडिशनल सेशन जज बनकर बैठे बस, इसका और कोई। आप एक बात बताएं, आप दयानतदारी करते हैं, हमारे पे एहसान करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। तो फिर आपका जो रवैया है ना, आपकी जो बातचीत है,
ये हमारे साथ सही होने चाहिए। इज्जत की जाती है तो इज्जत मिलती है, ये रेसिप्रोकल। हम इज्जत के लिए वकालत का पेशा हमने अडॉप्ट किया, एडवोकेट इज द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट पे होता है, नॉट एनी अदर पर्सन। ये वो कुर्सी है जहां यहां से लोग उस पे जाते हैं और वहां से इधर आते हैं। इतना रेसिप्रोकल अदब है जो कोर्ट बार और बेंच का है। जो जजेस तो अखलाक सिखाते हैं, और अगर जजेस में टेम्पो ना हो हमाद करने का, पेशेंस हेरे का, तो सर उन्हें सोचना चाहिए। हम तो बहुत हौसले से, जो प्रोफेशनल एडवोकेट है वो तो हर वक्त अदालत में उसको ओबे करते हैं, और हमारे प्रेसिडेंट ऐसे नहीं है कि जो जजेस से आज जो रवैया वो थोड़ी सी बात सख्ती से कर रहे, ये इनकी शख्सियत में नहीं है। मैं खुशामद नहीं कर रहा हूँ, हकीकत कर रहा हूँ। ये बात बिल्कुल दोस्त, खुशामद नहीं कर रहा हूँ, हकीकत कर रहा हूँ। ऐसे भी हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं जो अपने अपने मेरिट के लिए जो बातें करते थे करते हैं, इनमें वो बात नहीं है। प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं। अल्लाह ने बहुत किया हुआ, बहुत कदर है, बहुत इज्जत है, बहुत प्रॉपर्टी है। यहाँ करती है तो हमारी नुमाइंदगी के लिए फायदा। जो जजेस की इज्जत हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, हमारा प्रोफेशन ही एहतराम वाला है, ये काला कोट ही एहतराम वाला है। रेसिप्रोकल है योर ऑनर कि आप अपने इन वकीलों को, मुंशी हमारे ऑफिस बेहतर होते हैं। हम हर केस में तो नहीं आ सकते जनाबे वाले, उनको भेजे पता करो नंबर कितना है, किस वक्त जज साहब ने बुलाना है, एविडेंस आई हो गया नहीं है। जी जी, ना आप सब मेरे पास गुस्से में तशरीफ लाए, बात सुनिए, अब मेरी भी सुनिए। आप वन साइडेड स्टोरी सुन के तो आप मेरे पे मैं कोई कमेंट नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे पिन पॉइंट करें कि किस पिन पॉइंट और गौरी से क्या पिन पॉइंट करो। मेरी बात नहीं, इसको माइंड अप करके मेरी बात सुन ले। मेहरबानी फरमा के, या तो हम आपके लायक नहीं है, ये कुर्सी आपके लायक नहीं, आपके लायक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वहां जाके जज बन जाए। हमें अल्लाह आपको सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी कोई अदालत पहुंच ले, हमें कोई इतराज नहीं, अल्लाह करे चले जाए। लेकिन जब यहाँ पे आप हैं, आपकी ईमानदारी हमारे पे कोई आसान नहीं है। आप ईमानदार, मैंने कब क्लेम कर दिया ईमानदारी का? अब आप अपना रवैया या तो तब्दील फरमा ले भाई। आप मुझे सदर साहब रवैये में बताए ना कि रवैया और क्या है? क्या मुंशी को कहते हैं मेरे से बात ही ना करे? हमने अपनी बात कर ली है। आइंदा मेरे किसी वकील के साथ कोई इंसल्टिंग बिहेवियर हुआ या कोई टॉन्टिंग जुमला हुआ या अगर कोई मुंशी आके ये नॉट थ्रेटनिंग यू, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज कम इन टू मी। नहीं, रिक्वेस्ट करने का और वो रिक्वेस्ट यू शुड हैव तो पिछले 9 महीनों से जैसे मैं सदर, मेरी बात सुने बस, जो मैं सदर बने को कोई तरीका नहीं है, जब से है सदर बना मैंने आज तक किसी थर्ड क्लास सिविल जज को ओए करके नहीं कहा। बात तो मुझे तो क्योंकि आपका रवैया मेरे, मैं सरबराह हूं सितारे का एंड आई एम सपोज टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। यस, उनकी ऑनर को प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है वो एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। आप मेरी बात सुन ले, नहीं बस नहीं बस आज मेरे किसी वकील के साथ मिली हुई तो मैं ये अदालत बंद कर दूंगा। आप जनाब इस वक्त वकील साहब प्रॉब्लम ना बने मेरे लिए भी और सेशन जज साहब के लिए भी, बस मेरी भी सुने ना। नहीं होता, मैं देख लूंगा, मैं देखूंगा कैसे जरूरत है। बस बंद करो अदालत को। नहीं नहीं, आज नहीं, ब्राह्मण तेरे माता करते कोई नहीं करते, मैं चलो बहस। चलो।